हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो यूरेटर है उसको ब्लड सप्लाई या आर्टेरियल सप्लाई कैसे होती है। जो हमारा एब्डोमिनल यूरेटर है, जैसे ये हमारा यूरेटर है, इसका जो अपर हाफ पोर्शन है वह एब्डोमिनल कैविटी में होता है और जो लोअर हाफ पोर्शन है वह पेल्विक कैविटी में होता है। जो एब्डोमिनल यूरेटर है उसको रीनल आर्टरी के थ्रू और जो टेस्टिकुलर मेल्स में होती है और ओवेरियन जो फीमेल्स में होती है उसके थ्रू एंड यूरेट्रल ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। जो यूरेट्रल ब्रांचेस डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही है उसके थ्रू एब्डोमिनल यूरेटर को आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड होती है। देन जो पेल्विक यूरेटर है, जो पेल्विक रीजन में यूरेटर पास हो रही है उसे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी के थ्रू आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड होती है। रीनल ड्रेनेज कैसे होती है? जो रीनल वेन्स हैं ड्रेनिंग अपर यूरेटर। जो रीनल वेन्स है वो अपर यूरेटर को ड्रेन करती हैं एंड वेसिकुलर एंड गोनेडल वेन्स ड्रेनिंग लोअर यूरेटर। जो हमारा लोअर यूरेटर है या पेल्विक रीजन का जो यूरेटर है उसे वेसिकुलर एंड गोनेडल वेन्स जो है वो उसे ड्रेन करती है। नर्व सप्लाई कैसे प्रोवाइड होती है? रीनल, टेस्टिकुलर या ओवेरियन और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस के थ्रू नर्व सप्लाई प्रोवाइड होती है यूरेटर को।